हेलो वेलकम दोस्त। ये वापस मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ और हमारा क्लास आज से कंटिन्यू होगा। हिस्ट्री क्लासेस मैं आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न पार्ट को पहले ही चुना हूँ क्योंकि मॉडर्न पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है मॉडर्न पार्ट्स को, वो लोग लूसेंट से करते हैं या फिर किसी मतलब अदर बुक से करने पे उन लोगों को फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। तो मैं स्टोरी के साथ रिलेट करूँगा जिससे आप लोगों को याद कम करना पड़े और आप मतलब कहानी के माध्यम से आप किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही पार्ट्स आते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 1885 से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही पार्ट आते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दें और कमेंट में सजेशन दें और इम्प्रूवमेंट में क्या कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं ये हिस्ट्री। अब से स्टार्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना क्यों पड़ा पहले आप ये जानिए, क्योंकि ब्रिटिश का इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गया था। तो पावर को ब्रिटिश तभी बाहर मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं जब इंडिया का एक खुद का समूह होता या इंडिया में खुद इम्प्रूवमेंट होती या पावर, इंटरनल पावर होती, तभी वह ब्रिटिश जाते हैं। तो इसी ब्रिटिश के खिलाफ ही एक संगठन बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका टारगेट था इंडिया इंडिपेंडेंस, पहले आप ये बात को ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंगल टारगेट था इंडिया इंडिपेंडेंस। तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लॉर्ड डफिन उस टाइम थे, ये हुआ मुंबई में, वैसे ये होने वाला था पुणे में बट ये मुंबई में किया गया। ये रिकमेंडेशन था दादा भाई नरोजी के द्वारा और इन्होंने एओह्यूम द्वारा स्टार्ट किया गया, एओह्यूम, इसलिए एओह्यूम को शिमला सेंट बोलते हैं। शिमला में मीटिंग हुआ था कि ऐसा मतलब ग्रुप बनेगा जिसे नाम दिया जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए दादा भाई नरोजी ने एओह्यूम को शिमला सेंट बोला था। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो चलिए उस पहले देख लेते हैं कि वो फैक्ट क्या क्या हैं। जैसे प्रेसिडेंट कौन कौन थे, फीमेल प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो वो सब एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। मतलब अध्यक्ष कौन कौन बने हैं, तो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी और सेकंड बने थे, और हमारे हमसे पूछा था फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट ब्रिटिश के भी एक बने थे जॉर्ज यूले नाम है उनका, वो भी एक बार बन चुके हैं प्रेसिडेंट बने थे। और फीमेल में काफ़ी क्वेश्चन आता है, एसएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है कि फीमेल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन कौन बनी हैं। तो फर्स्ट बनी थी एनी बेसेंट, ये फर्स्ट ओवरऑल थी। फर्स्ट इंडियन का बात करें तो सरोजिनी नायडू, सेकंड इंडियन बात करें तो नालिनी सेनगुप्ता। ये नालिनी सेनगुप्ता रिसेंट 2-3 एग्ज़ाम में आया है, जैसे हम बात करें अभी CHSL 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नालिनी सेनगुप्ता सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड है। और एक और क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है कि सबसे लंबे टाइम तक या सबसे लंबे टाइम तक या सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो सबसे युवा हैं अबुल कलाम आज़ाद और सबसे लंबे टाइम के भी रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, सबसे लंबे टाइम तक ये अध्यक्ष रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इंडिपेंडेंस मतलब जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा उस समय जे बी कृपलानी उस टाइम अध्यक्ष थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था।
अब हम बात करते हैं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC, किन किन गुटों को मिलाकर बना गया था। जैसे इसमें 5 तरह के अलग अलग ग्रुप थे जिसे मिला के इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। चलिए वो देखते हैं वो ग्रुप कौन कौन से थे। फर्स्ट ग्रुप था उदारवादी, जिसे हम लिबरल कहते हैं, लिबरल लीडर। सेकंड था एक्सट्रीम लीडर, उसके बाद था रिवोल्यूशनरी लीडर, फिर गांधीवादी, फिर समाजवादी। इन लीडरों को मिलाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। लेकिन बाकी का बनना, बाकी क्यों फेल हुए वो पढ़ते हैं। फेल होने का रीज़न था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नरम दल। जो नरम दल थे लिबरल, उनमें कौन कौन थे। नरम दल में थे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, बदुद्दीन तैयब जी मेन लीडर थे नरम दल के। नरम दल इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट था। ये ब्रिटिश ने अगर इन्हें कुछ बोला तो ये बिना ऑपोजिशन के किसी बात को मान लेते थे, इसलिए इन्हें नरम दल, लिबरल बोला जाता था। ठीक है, तो इसे बहुत लोगों ने अलग अलग नामों से जाना है। चलिए देखते हैं। जैसे ये अपना मीटिंग पूरे साल में 3 दिन करते थे, इसलिए इन्हें लोग पूरे साल में ये लोग अपने मीटिंग सिर्फ 3 बार बोलते थे, इसलिए उग्रवादियों ने इन्हें 3 दिन का तलाशा बोला था, 3 दिन का तलाशा बोला था, तलाशा बोला था, तीन दिन का तलाशा, 3 डेज सीकर पर्सन बोला था। तो और इसलिए बहुत लंबे 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 टाइम पे इनकी मीटिंग होती थी, इसलिए ये उतने आगे तक बढ़ नहीं पाए और अंग्रेज को इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो इसके बाद से मतलब अनदर दल बनाना पड़ा, जैसे हम गरम दल बोलते हैं। गरम दल में बेसिकली होते थे लाल बालपाल, ये शॉर्ट फॉर्म है लाल बालपाल। लाल से बोलते हैं लाला लाजपत राय, बाल से बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो एक ट्रिक है, लाल बाल और पाल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फेल होने का रीज़न इसका था कि इसमें फीमेल नहीं थी, क्योंकि इन लोग बहुत गुस्से से थे, मतलब अपना हर काम ज़बरदस्ती अंग्रेज पे थोपना चाहते थे और खून खराबा काफ़ी होता था, इसलिए इनमें फीमेल कोई नहीं थी। एक भी फीमेल ना होने के कारण, ना एक भी बच्चे होने के कारण ये अंग्रेज भी इससे उतने खौफ में नहीं थे, उतने डरते नहीं थे। तो इसके बाद से तीसरा ग्रुप बना जो फेलियर, जैसे हम थे क्रांतिकारी लीडर का जो ग्रुप बना, रिवोल्यूशनरी लीडर, इसमें ये ग्रुप काफ़ी अच्छा था। इनमें थे यंग लीडर, जितने भी थे सारे यंग लीडर थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, जिन्हें बाद में जाकर फांसी भी दिया गया, तो वो मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर में कि क्यों इन्हें फांसी दिया गया। तो इनमें क्रांतिकारी नेता ये बहुत अच्छे थे, ये अच्छे से काम करते थे, लेकिन मैं सबसे बड़ा फॉल्ट था ना कि किन्हीं अनदर सपोर्ट इन्हें नहीं मिला, किसी अदर आदमी का सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये फेल मार दी, क्रांतिकारी दल फेल मार गई। उसके बाद एक गांधीवादी दल बना। गांधीवादी दल गांधी जी का बड़ा समर्थन था। इनकी एक सबसे बड़ी मजबूती क्या थी कि ये किसी चीज़ को भूख हड़ताल से मनवा लेते थे। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, बनर्जी, तैयब जी थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग सब गांधीवादी दल के नेता थे। उन्होंने गांधीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया और इसलिए मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी समय तक चल पाई और फाइनली 1947 में देश को इंडिपेंडेंस मिला। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आगे और बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये लास्ट लेक्चर है, थैंक यू। मैं ये छोटा छोटा लेक्चर आते जाएगा, आप इसे सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नोट करें आप। मैं ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं शॉर्ट में ऐसा मैं कहानी के तौर पर बताऊंगा आपको कि मतलब सबके पीछे क्या कहानी है, ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, मैं कहानी से रिलेट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दें और सजेशन कमेंट में भेजें। थैंक यू।